लिखा है यहाँ पर मार्स के इन्फिनिटी लिप पैलेट देख सकते हो, या आपको कलर मिक्सिंग कर सकते हो, तो बहुत सारे। और ये जो हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल, सो आज की टाइटल एंड थंबनेल पढ़ के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। यस, आज के वीडियो में मैं ये जो मार्स के इन्फिनिटी लिप पैलेट है इसका मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, साथ साथ में आपके साथ डेमो भी इसका शेयर करूँगी। और ये मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, इसका जो MRP यहाँ पर लिखा है 299 रुपीज़, बट ये मुझे मिला है ओनली 250 रुपीज़। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसमें आपको मिलता है टोटल 16 सेट्स, जो काफ़ी बहुत ही अच्छा सेट्स है। तो एक दो वीडियो में यूज़ किया है और ये काफ़ी अच्छा पैलेट्स है। मैं अभी इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। इस टाइप का ये लिखा है यहाँ पर मार्स के इन्फिनिटी लिप पैलेट, और इसका पीछे सभी इंग्रेडिएंट्स MRP जो वगैरह है यहाँ पर मेंशन है। सो इसमें आपको और एक शेड्स मिल जाएंगी, वो है 01। अभी मेरे पास जो शेड है वो है 02। 01 वाला जो शेड है उसमें आपको बहुत लाइक यू नो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टाइप का जो कलर्स होते हैं वो आपको मिलता है, कुछ ब्लैक येलो ग्रीन, शायद ग्रीन नहीं है बट ब्लैक येलो। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी किस टाइप का कलर्स है। तो मैंने थोड़ा सा, मुझे वो वाला नहीं लेना था, यही वाला मुझे लेना था। इसका जो कलर्स है आप देख सकते हो, यहाँ पर न्यूड शेड्स होंगे, यहाँ पर एक आपको पर्पल मिलेंगे, एक दो लाइट पिंक शेड है, एक रेड है। यहाँ पर जो ऑल जो 16 शेड्स है मैं आपको लिप पे स्वचेस करके दिखाऊँगी, तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखो तभी आपको ये पता चलेगा। गाइज़, मैंने 02 सेड इसलिए बाय किया क्योंकि इसका जो कलर्स है मुझे देखते ही पसंद हो गया था, और इसका जो टेक्सचर है बहुत क्रीमी टाइप का है। इस लिप पैलेट का और एक बात मुझे अच्छी लगी कि इसके साथ एक जो लिप ब्रश है वो आपको मिल जाएगा, ये देख सकते हो मैंने इसे यूज़ कर चुकी हूँ। तो और एक साइड आपको मिलेगा एक स्पैचुला, देख सकते हो, ये आपको कलर मिक्सिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे वाली पैलेट्स होते हैं जिसमें आपको ये जो लिप ब्रश है ये आपको नहीं मिलता है, तो इस पैलेट से ये मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है इस MRP में। सो गाइस, इसका जो सेल्फ़ लाइफ है वो आपको मिलता है 4 ईयर्स, तो आप 4 ईयर्स अच्छा खासा इसे यूज़ कर सकते हो। तो ऑल जो 16 शेड्स से बहुत ज़्यादा स्टर्निंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर, जस्ट देखो ऑल जो कलर से देखो। तो अभी मैं इसको लिप में स्वचेस करके दिखाऊंगी, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो लिप सेट से ये बहुत ज़्यादा क्रीमी टाइप है। क्रीमी टाइप होने के बावजूद भी इसे आपको लिप को मॉइस्चराइज करने के बाद ही अप्लाई करना होगा। सो गाइस, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और यहाँ से मैं एंड करूँगी, तो चलो इसे अप्लाई करते हैं लिप्स पर। फर्स्ट सेड है जो मैंने ये अप्लाई किया है इस वाला सेड को, और नेक्स्ट मैं अप्लाई करती हूँ।
दिस इज़ माई लास्ट सेट, तो इस लास्ट सेट को मैं अप्लाई करके अभी दिखाऊंगी, देख सकते हो मेरा ये किस टाइप का हुआ है। सो अभी जो लास्ट मैं ब्रश को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ यहाँ पर, ब्रश क्लीन करने के बाद ये जो लास्ट वाला सेट है मैं इसे अप्लाई करके अभी दिखाऊंगी। अब देख सकते हो ये इतना ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है कि बहुत अच्छे से ग्लाइड हो रहा है लिप्स पे। और ये जो ब्रश है ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टडी है, बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो और बहुत अच्छे से ये अप्लाई भी हो रहा है। ये मेरा ड्रेस के साथ भी बहुत ज़्यादा मैचिंग हो रहा है। तो मैंने लास्ट जो सेड है देख सकते हो, ये लास्ट जो सेड है मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर जब 5 to 10 minutes रखूँगी, उसके बाद मैं ये किस प्रूफ है कि नहीं मैं ये चेक करूँगी। तो 5 to 10 minutes बाद देखते हैं कैसा होता है। ट्रांसफ़र प्रूफ होता है, दिखता नहीं, ये थोड़ा सा ट्रांसफ़र प्रूफ होता है, देख सकते हो ये बस थोड़ा सा ट्रांसफ़र प्रूफ है। बट ऑल ओवर पैलेट इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने जो ऑल 16 सेड्स है उसका मैं स्वाचेस करके मैं दिखा दिया आपको। सो अगर ये आपको बाय करना है तो आप ये ज़रूर बाय कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है ये पैलेट। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप मेरे स्किन टोन का हो तो आप तो ये ज़रूर बाय कर सकते हो, क्योंकि एक दो सेट के अलावा जो सेट्स है ये डस्की स्किन टोन पे, मतलब मेरा स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाएगा। और अगर आप फेयर हो तो ये तो आप बस आँख बंद करके ले लो। फाइनल कंक्लूज़न ये है कि इस पैलेट को आप ज़रूर बाय करो, ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। क्योंकि आप ऐसे जो बुलेट लिपस्टिक है, जो मैट्स लिपस्टिक है, जो 16 सेट आप ऐसे करके नहीं ले जा सकते, तो इस पैलेट को बस अपना बैग में बस ले लो एंड यू हैव गुड टू गो। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ ये प्रोडक्ट 10/10। बस इसका बस मुझे नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि ये थोड़ा सा ट्रांसफ़र प्रूफ होता है। यूज़ करके बताना ये पैलेट आपको कैसा लगा। तो गाइस आज के वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और किस टाइप का आपको वीडियो देखना है वो मुझे बता सकते हो। और चलो और क्या, आज के लिए बस वीडियो इतना ही रखती हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।